वेलकम टू आवर एपिसोड 22 एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में जानेंगे कैसे एक ट्रेड को प्लान करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग जैसे ट्रेड लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस एक दिन पहले क्या करना चाहिए। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं आपके दिमाग में इतना तो सेट है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। प्रीवियस डे में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट आवर जब ख़त्म हो जाता है हम लोग मार्केट के सामने बैठते हैं, हम लोग सारा चार्ट्स को एनालाइज़ करते हैं वन बाई वन सब चार्ट को एनालाइज़ करने के बाद कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग उसको बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक दिन पहले हम लोग सारा प्लान करते हैं कि कल के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो प्लानिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइव मार्केट में कुछ और होता है, एक दिन पहले प्लान करना ये एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है क्योंकि लाइव मार्केट में आपका इमोशंस वहाँ पे जुड़ा रहता है, आप एक गलत डिसीजन भी ले पाएंगे। लेकिन एक दिन पहले किसी ट्रेड को प्लान कर लेना कि कल अगर मार्केट में ऐसा हुआ तो हम ऐसा डिसीजन लेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट डे अगर वैसा होता है तो आप उसमें डिसीजन ले पाते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ से चालू होता है। तो वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड ये जो एपिसोड है इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के संग में। जैसे हम क्या करते हैं, एक दिन पहले सारा चार्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं, उसमें से हम बेस्ट 3 स्टॉक्स चूज करते हैं। बहुत सारा मिलता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ 3 ही मिलता है, मिलने को मेरे को बहुत सारा मिलता है, लेकिन हम बेस्ट 3 पे जब आते हैं ना तो बात वहाँ पे क्वालिटी आ जाता है। क्योंकि आप जब बहुत सारे स्टॉक सर्च करते हैं ना उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेगा, सब में आपको ब्रेकआउट मिलेगा, सब में ब्रेकडाउन मिल रहा है, सब में आपको एक अच्छा मोमेंट मिलने का प्लानिंग हो रहा है। लेकिन बात जब आपका चूज करने पे आता है कि कौन सा बेस्ट है तो आप उसमें सर्च करेंगे कि ये एक अच्छा प्रोबेबिलिटी दे रहा है। जब आप 3 नंबर चूज करते हैं ना कि ये, फिर आप सेकंड नंबर जब चूज करते हो इसमें और अच्छा क्वालिटी है इसलिए हम इसको सेकंड नंबर देंगे, एंड फर्स्ट नंबर इसमें इससे भी अच्छा क्वालिटी है इसलिए हम इसको फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं, वहां से आपका क्वालिटी आता है ट्रेडिंग में। अब जब आप उसको ट्रेड आप प्लान कर लिए कि इस प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो हम बाई करेंगे, ये प्राइस के नीचे आएगा यानी कि जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है जहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, पहले से प्लान किया हुआ है वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे और ये मेरा टारगेट है, मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट पे अब जब बात आ ही गया तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, एक प्रॉपर टारगेट, एक प्रॉपर एंट्री। मार्केट क्या कर रहा है उसको नहीं देखना है, अपने को क्या करना है वो देखना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट अब कैसे करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे कि अगर मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का है, एक स्टॉक हम बाई करते हैं जिसमें हमको नुकसान हो सकता है 10 रुपीज़ का, प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का, 1:3 का, 1:2 का हम लोग एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड और जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, क्वालिटी वहीं से आता है ना। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको 10 रुपीज़ का लॉस लेके 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये तो मार्केट डिसाइड करता है कि वो रिस्क रिवॉर्ड कितना देने वाला, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो मार्केट का परफॉर्मेंस के ऊपर ही मार्केट वो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तो वो मार्केट के ऊपर ही रहने देते हैं। लेकिन एक प्रोसेस को कैसे फॉलो करें, फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल है 10,000 रुपीज़, कोई बड़ा कैपिटल पे हम लोग नहीं आते हैं, मिनिमम 10,000 रुपीज़ एक कैपिटल लेके चल रहे हैं कि मेरे पास सपोज 10,000 रुपीज़ है तो हमको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट आता है वो हम कैसे इसको इन्वॉल्व करें अपने रियल लाइफ ट्रेडिंग में, हम इसको कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब मेरे पास 10,000 का कैपिटल है तो क्या हमको एक दिन में 10,000 से 20,000 बनाने का सोचना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है कि हमको एक बार में अपना पैसा को डबल नहीं करना है, हम धीरे धीरे करके इसको आगे लेके जाने का कोशिश करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आज 10,000 का मेरे पास कैपिटल है तो मेरे को लॉस होगा तो कितना रुपीज़ का हो सकता है,
हम अपना कैपिटल का कभी भी 2-5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेते। अगर इनकेस एक दिन में मेरे को लॉस होता है, मैक्सिमम मेरा कैपिटल 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। हम कुछ ऐसा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, मेरा कैपिटल का 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। तो हम इसको पोजिशन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? अब मेरा 5% है तो 10,000 का 5% कितना अमाउंट हो रहा है? अप्रॉक्स 500 रुपीज़। मतलब एक दिन में अगर हमको मैक्सिमम लॉस होगा तो कितना का होगा? 500 रुपया का। मतलब 500 रुपीज़ का हमको क्या होगा? लॉस होगा। मेरा एग्जांपल क्या था कि जब हम लोग ट्रेड को डिसाइड करते हैं उसमें क्या देखते हैं? स्टॉप लॉस, कि मेरा इस ट्रेड पे इतना का स्टॉप लॉस है, हमको लॉस होगा तो इतना का होगा। तो स्टॉप लॉस हम लोग देख लिए यहाँ पे कि मेरा स्टॉप लॉस है 5%, यानी कि 500 रुपीज़। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? अपना स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं, मेरा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 30 रुपीज़ का टारगेट है। तो अगर 10 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हम क्वांटिटी पे कैसे लाएंगे? हमको क्या करना है, अपना एक दिन में 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो 500 का मेरा लॉस तो एक तरफ फिक्स है, लेकिन अब हम उसको 500 कैसे रखेंगे? 10 रुपीज़ का जो मेरा स्टॉप लॉस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी कितना होना चाहिए? अगर 10 रुपीज़ के हिसाब से मेरा 500 लेने का कैपेसिटी है रिक्स, तो अगर हम 50 क्वांटिटी लेते हैं, सपोज़ किसी स्टॉक को 50 क्वांटिटी लेते हैं और 10 रुपीज़ का उसका स्टॉप लॉस है, तो मैक्सिमम आपका 500 लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं होगा। तो कुछ इस तरीका से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ताकि अगर इनकेस मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मेरा लॉस हुआ तो कितना हुआ, 500, इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ। हम लोग स्टॉक मार्केट को ईजी नहीं बना सकते हैं। अगर हम एक दिन में 500 का ही लॉस ले सकते हैं, अब सपोज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 500 से ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से इस पर हम और डिटेल में जाएंगे। तो 500 से ज़्यादा तो लॉस नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ इस तरीका से अपना ट्रेडिंग लाइफ को इजी बनाते हैं। हम लोग क्या करते थे अभी गलती, कि अपना 10,000 का जो कैपिटल था पूरा 10,000 उसमें इन्वॉल्व कर दिए, पूरा 10,000 रुपीज़ का क्वांटिटी ले लिए, आज तो 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से एक ट्रेड मिल रहा है जो हमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ये टारगेट हिट करेगा ही करेगा। 100% बोल के मार्केट में कुछ नहीं होता, याद रहे सारा चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर है। हम लोग एनालाइज करके अपना प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, तो कभी भी अपना पैसा का पूरा रिस्क नहीं लेना। तो अगर 5% मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, 5% का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अगर 5% करके देखते हैं तो 20 डेज़ आप मार्केट में जिंदा रह सकते हैं, ओवरऑल 20 दिन। 1 मंथ में ट्रेडिंग सेशन कितना होता है? अप्रॉक्स 20-22 दिन का होता है। तो आप 10,000 का कैपिटल को 5% के हिसाब से 1 महीना तक पूरा कैपिटल को टाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, पूरा मंथ मतलब पूरा 1 महीना आपका ट्रेडिंग हमेशा लॉस ही होगा? अगर 10 ट्रेड है, 10 में से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं, 1:2, 1:3 को अगर लेके चलते हैं, 10 का लॉस 30 का प्रॉफिट, अगर इस तरीके का कुछ आप ट्रेडिंग स्टाइल को लेके चलते हैं, ट्रेडिंग में प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अगर जाते हैं, अगर 6 दिन भी आपका लॉस होता है और 4 दिन भी अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो 500 × 6 कितना हो गया, अगर लॉस होता है तो 3,000 रुपीज़, ठीक है, एंड 4। और अगर आपका 4 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं ना, तो आपको प्रॉफिट कितना का हो जा रहा है, 1,500 × 4 = 6,000। तो ओवरऑल मंथ एंड में अगर आप एवरेज निकालते हैं तो क्या आप लॉस में है या प्रॉफिट में? तो कुछ इस तरीका से रिस्क मैनेजमेंट हम लोग के ट्रेडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ हम स्क्रीन पे आप लोग के संग शेयर करते हैं, जहां से आप लोग को और एडवांस नॉलेज मिलेगा कि एक ट्रेडिंग प्लान हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है, एंड टाटा स्टील का चार्ट में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग कोई ट्रेड को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हाँ एक तरीके से अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे। तो देखते हैं कोई अच्छा ट्रेड अगर हम लोग को मिल जाता है तो इसमें हम लोग खोजेंगे ढूंढेंगे, जहाँ भी एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाए, ये रहा परफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं ना
कुछ इस तरीका से ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को टाटा स्टील रेस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ से एक बार नीचे गिरा, वापस नीचे गिरा, वापस नीचे गिरा, यहाँ से वापस नीचे गिरा। तो ये मेरा क्या हुआ, एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे कि ये ब्रेकआउट जब आएगा तो हम लोग बाई करते हैं। तो हम लोग किधर बाई करते हैं, यहाँ पे जब ये फर्स्ट हाई को तोड़ देता है ना, या फिर ये हाई ले लीजिए या फिर ये हाई ले लीजिए, ठीक है। इस हाई के ऊपर मार्केट जब जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हम मान सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्यों लिए, इसको क्यों नहीं लिए, दोनों ही सही है अपने जगह पे, किसी को गलत नहीं बोल सकते। इसको हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट जब मेरा रेसिस्टेंस ब्रेक हो तो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट बनाना, ये सपोर्ट बनने के बाद वापस उसी हाई तक गया ना, देखिए ये जो हाई है वहीं तक कैंडल जाने के बाद क्या हुआ, फिर से रेड कैंडल बना था, फिर नीचे गिरने की कोशिश करने लगा लेकिन गिरा नहीं। फिर यहां से क्या हुआ, जब ये हाई जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ से कुछ इस तरीके से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो अपना वॉल्यूम भी सपोर्ट करने लगा। क्लियर है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको ये एपिसोड 22 पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत मजेदार एपिसोड है मेरे हिसाब से, तो हमको बहुत मजा आ रहा है आपको समझाने में, पढ़ाने में, एंड आपको भी मजा आ रहा है। तो दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के भी संग में शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाए। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा मेरा भी रीच बढ़ेगा, उसके बाद आप लोगों को भी और हमको एक्साइटमेंट होगा कि हमको और ज्यादा अच्छा वीडियोस बनाना है। तो लगे रहिए, शेयर बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियोस आपके पास संग संग पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंचे, वीडियो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो अब आते हैं यहाँ पे क्या कि जब मार्केट ऊपर के रैली में जा रहा है ना एकदम हाई वॉल्यूम के संग में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम इंक्रीज हो, मतलब वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड तो बनता है एकदम बिंदास, तो ट्रेड तो हम लोग लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो रिटेस्ट होना जो सपोर्ट जोन है ना जहां से मार्केट रिवर्स हुआ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। क्लियर है, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस एंड दिस अबव दिस ट्रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 1122-23 विल बी माय एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे एंट्री लिए एंड यहाँ पे स्टॉप। आप लोग ऐसा सोचेंगे हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं सर, आप इंग्लिश बोलने लगे, नहीं, बहुत जन ऐसे हैं जो लोग को हिंदी नहीं समझ में आता, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे पॉइंट पे ऐसे बोलने से क्या कि उनको भी समझ में आएगा, थोड़ा उनको भी आइडिया मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा इसमें इंग्लिश थोड़ा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है। तो ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस पॉइंट। तो अगर हम ट्रेड लेते तो मेरे को लॉस कितना का हो रहा है, 13.85 रुपीज़। प्रॉपर प्लानिंग हुआ एक दिन पहले कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट इसके ऊपर बाय किया है, यहां से वापस नीचे गिर जाता है, तो 13.85 रुपीज का हमको लॉस होगा। अगर आप एक पीस खरीदते हैं तो 13-14 रुपीज आपका क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, 500 है ना, 500 का लॉस लेने का कैपेसिटी है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी कितना लेना चाहिए, कैलकुलेटर यहाँ पे भी तो कैलकुलेटर है ना, यहीं पे हम कर लेते हैं आप लोग के लिए, 35 क्वांटिटी कैसे, यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं, फाइव हंड्रेड फोर्टीन का अगर हम लेते हैं तो 14 स्टॉप लॉस जो है, तो आपको क्वांटिटी कितना लेना चाहिए, 35। तो आप यहाँ पे क्या किए, अपना रिस्क को मैनेज कर रहे हैं कैसे कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 35 रुपीज का क्या होगा, हमको लॉस होगा, करेक्ट। तो 35 का लॉस नहीं, 500 का लॉस होगा। क्वांटिटी कहाँ कितना लेंगे, अगर ये ट्रेड लाइन मेरा ब्रेकआउट होता है, मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर मार्केट जाता है, अगर हम खरीदेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया कितना, 13-14 रुपीज अराउंड हुआ, तो मेरा क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 35। आपके कैपिटल जितना भी हो, अगर आपका कैपिटल 10 लाख है, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो उसी हिसाब से कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सारा क्वांटिटी ले लीजिए, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चले कि मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी इतना है तो हम इतना ही क्वांटिटी लेंगे, तो इसके हिसाब से आप 35 क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं टारगेट पे कि अब मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है ना, अब मार्केट यहां तक गया, हमको कैसे पता चले कि मार्केट यहां तक जाएगा, क्वेश्चन होता है ना, अरे यार हमको कैसे मालूम चलेगा मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये तो हम कन्फर्म हो गया, ठीक है चलो हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, लेकिन ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा कैसे पता चलेगा, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आप क्या करेंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप थोड़ा टेक्निकल एनालाइजिंग भी करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रैली देख रहे हैं ना,
ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के लिए ये जो लो है ना, इस लो से इस हाई तक आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। 87 रुपीस का मूव मिला है, ठीक है। तो 87 रुपीस का मूव को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कहाँ से, जहां से मेरा ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ब्रेकआउट पॉइंट, ये जो लो है जहां से मार्केट इसको तोड़ा है, यहां से 87 पॉइंट्स, 87 यहां तक ये हो गया क्या मेरा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट हो गया 87 पॉइंट्स का। अब सेकंड टारगेट क्या होगा, ये जो फुल रैली है यहां से यहां जितना तक ऊपर गया था पूरा, इसको हम मेजर करेंगे यहां से लेके यहां तक 126 पॉइंट, यहां से यहां तक 126 पॉइंट्स का जो मेरा टारगेट है, विच टारगेट को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इतना मेरा 126 पॉइंट्स का हमको टारगेट है। ये जो लो है जहां से ब्रेकआउट दिया था, यहां से 126 पॉइंट हम अपसाइड तक जाएंगे, 126 यहां तक। तो मेरा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, याद रहे ये जो मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप कोशिश कीजिए 10 रुपये 5 रुपये हमेशा से कम प्रॉफिट लेने का कोशिश कीजिए, ताकि आप पर मिस ना हो। लेकिन अगर इसको हम अच्छे से मेजर करें तो ये टारगेट आपको एक्यूरेट मिल जाएगा कुछ इस तरीका से। यहाँ से इसको अगर हम मेजर करते हैं, यहाँ से इस हाई तक 75 पॉइंट्स, इस हाई तक हम नहीं पकड़ रहे, थोड़ा कम ही पकड़ते हैं। देखिए हमेशा से थोड़ा कम पकड़ने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपके हाथ से कुछ ऐसा मूव ना निकल जाए जिसके वजह से आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद भी आपको लॉस हो गया, क्योंकि ये पूरा मार्केट जो है रियल मार्केट है, लाइव मार्केट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा सेंटिमेंट देखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए हमेशा से राउंड फिगर को पकड़ने का। तो यहाँ पे राउंड फिगर कैसे, तो ये भी हम समझा देते हैं। तो 76 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे टारगेट चुका है, जो कि हम यहाँ से 76 पॉइंट मेजर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां तक का टारगेट हम लोग का एक्यूरेट निकला, एंड राउंड फिगर पे इसको डिलीट करते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो ये कुछ राउंड फिगर पे ही होगा, 1179.65, 1183 रुपीज के आसपास में राउंड फिगर पे ही काम कर रहे हैं ना। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, एंड ये मेरा सेकेंड टारगेट, जो मैं सेकेंड टारगेट था पूरा देखिए मार्केट, सेकेंड टारगेट जाने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट वहां से नीचे गिरा। तो अपना टेक्निकल एनालाइजिंग तो हम लोग का बहुत स्ट्रांग हो चुका है, लगभग आप लोग भी एपिसोड जो लोग देखे होंगे प्रीवियस एपिसोड्स, उन लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट मिल चुका होगा वहां से। आप लोग टेक्निकल एनालाइजिंग बहुत अच्छे से ही कर लेंगे, होप आप लोग अच्छे से करते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आप लोग का टेक्निकल एनालाइजिंग कैसा चल रहा है, एपिसोड्स वगैरह को देखने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया। अगर उससे हमको अगर हम कमेंट्स देखेंगे हमको समझ में आए कि कहाँ पे आप लोगों को परेशानी हो रहा है, तो हम आगे का एपिसोड में उस परेशानी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर से बताइएगा। एंड यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट था कुछ इस तरीके से, हम अपना पोजीशन को सेट कर सकते हैं ना, ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है एंड ये मेरा टारगेट पॉइंट है। तो आप जो लॉस लिए थे कितना का लिए थे, यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस है मेरा ये कितना रुपीज का, 13 रुपीज 14 रुपीज 15 रुपीज अराउंड यही है। टारगेट कितना का है, 100 पॉइंट्स, वाओ। रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल रहा है, तो 100 रुपीज का अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मेरे पास क्वांटिटी कितना, 35 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट कितना का हो जा रहा है, 3571, राउंड फिगर 3500 पकड़ सकते हैं। 500 का लॉस लेके अगर आपको 3500 का प्रॉफिट मिले तो ये कोई खराब है। दिन में एक ट्रेड लीजिए ना, 10 नहीं लेना है, एक ही लीजिए, मैनेज करना है रिस्क को। इस चीज में आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड बोल सकते, एक अच्छा खासा प्रॉफिट है रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। आपको यहाँ टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि इनकेस मेरा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देख के अगर स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 500। क्यों, क्योंकि आप अपना क्वांटिटी को पहले डिसाइड करके रखे कि मेरा क्वांटिटी इतना है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमको इतना का ही लॉस होगा। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया तो दबा के शेयर कीजिए सबके संग में, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। एपिसोड 22 अगर सही में पसंद आया तो एपिसोड 23 हम इससे भी और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। एंड हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिए, देखिए आपका ट्रेडिंग लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरा पर्सनल खुद का लाइफ बहुत बेहतर हुआ इसको फॉलो करते हुए, आपका भी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह, तो आप चाहे तो मुझे वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।